हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास मैक्सलिंक का T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस वीडियो में बताऊंगा आपको यदि आपके T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में जेडलिंक 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेडलिंक 5 नहीं आ रही है और यदि कार्बिट लिंक भी नहीं आ रही है एप्लीकेशन लिस्ट में, तो इसकी ऑप्शन कहाँ पर होगी और कैसे इनेबल करना होगा इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कार सेटिंग में जाना है, कार सेटिंग, देन जनरल सेटिंग के अंदर नीचे आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है और इंटर कनेक्शन सेटिंग में यहाँ पे आपको नथिंग यदि सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे नथिंग सिलेक्टेड है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ना तो आपको कार्बिट लिंक होगी फॉल लिंक के लिए, मिरर लिंक करने के लिए, ना तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वहाँ पर जेडलिंक 5 की ऑप्शन पे ऑप्शन मिल रही होगी कारप्ले के लिए। तो यहाँ पे यदि आप कारप्ले पर क्लिक करते हो तो एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले को चलाने के लिए जेडलिंक 5 के ऑप्शन वहाँ पे एप्लीकेशन लिस्ट में दिखेगी। यदि आप फोन लिंक को सिलेक्ट करते हो तो आपको कार्बिट लिंक की ऑप्शन दिखेगी एप्लीकेशन लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे कारप्ले पर टिक कर देता हूँ तो सबसे लास्ट एप्लीकेशन वहाँ पर आ गई होगी एप्लीकेशन लिस्ट में। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जेडलिंक 5 की। अब यहाँ से आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को यूज कर सकते हो। यदि इस पर क्लिक करने के बाद इनएक्टिवेटेड दिखाएगा तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और डेट एंड टाइम की सेटिंग करनी होगी तो आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे ये वायरलेस मिररिंग के लिए, एक्चुअली इसको आप मिरर लिंक के लिए भी यूज कर सकते हो जेडलिंक 5 को वायरलेस मिररिंग। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की बटन पर आप जब क्लिक करते हो तो एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले के लिए आप जेडलिंक को यूज कर सकते हो। थैंक यू।